हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे कि 5 लीटर इंजन पर लगा हुआ ये जो ETV है वो ख़राब है या अच्छा है, ये कैसे समझेंगे इसके बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करके रखना, ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो पहले समझ के लेते हैं इंजन पर इसका काम क्या होता है। तो ये ETV इंजन पर एग्जॉस्ट ब्रेक का भी काम करता है और साइलेंसर में भी रिजनरेशन करवाने के लिए थर्मल मैनेजमेंट का भी काम करता है, यानी कि साइलेंसर में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये ETV मदद करता है। अब इसमें प्रॉब्लम रहेगा तो गाड़ी में पुअर पिकअप की समस्या आएगी। तो सबसे पहले हमें डायग्नोस्टिक टूल TDS के सहायता से इससे रिलेटेड कोई एरर्स है या नहीं वो चेक करना होगा। उसके बाद हमें एक्चुएटर टेस्ट करने पड़ेंगे, उसमें 0%, 50%, 100%, इसमें तो 80% दिख रहे, ये तीनों टेस्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद सर्विस रिजनरेशन करके देखना पड़ेगा। इसमें अगर कोई दिक्कत आ गई, टेस्ट नहीं हो पा रही है या रिजनरेशन नहीं हो पा रहा है, तो ETV रिसेट और लर्निंग टेस्ट, ये दोनों भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा। इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसी को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, पर रिप्लेसमेंट करते समय करेक्ट VC नंबर डालना ज़रूरी है। उसके बाद सिस्टम के अंदर इंजेक्टर कोडिंग सही है या नहीं ये भी चेक कर लेना, अगर गलत है तो उसे सही करवा के लेना। यहाँ तक 50% तक का प्रॉब्लम गाड़ी में ETV का प्रॉब्लम होगा तो सही हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आगे हम वायरिंग के कनेक्शन को चेक करेंगे। ETV का वायरिंग हार्नेस का सॉकेट निकल कर वायरिंग हार्नेस के तरफ से सॉकेट को गाड़ी में इग्निशन की ऑन रख कर हमें ये चेक करना है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 में हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, बाद में पिन नंबर 1 और ग्राउंड में भी हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए और पिन नंबर 2 और ग्राउंड में हमें 0 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये भी कनेक्शन सही है तो ECU और वायरिंग हार्नेस भी सही है, ये हम समझ सकते हैं। अब बचा है वायरिंग हार्नेस का कंटिन्यूटी चेक करना। तो ECU का 47 और 26 नंबर पिन ETV के थ्रोटल के 6 और 4 नंबर पिन में थ्रोटल के मोटर के लिए होते हैं। उसके बाद ECU के पिन नंबर 56, 91 और 7 नंबर पिन थ्रोटल बॉडी के पोजीशन सेंसर के लिए 1, 3, 2 नंबर के पिन के लिए होते हैं। 1 नंबर पिन सेंसर का पॉजिटिव सप्लाई है जो 5 वोल्ट का रहता है, 2 नंबर पिन ग्राउंड है, 3 नंबर आउटपुट यानि यहाँ से सिग्नल ECU को भेजा जाता है। अगर इसमें भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो ETV से रिलेटेड आपको P26C5 और P2BF4 ये दो एरर कोड ज़्यादा करके आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, मैंने अभी जो इस वीडियो में बताया है उस तरह से इस थ्रोटल वाल्व को चेक करेंगे तो ETV और उसके कनेक्शन में कहां पर भी प्रॉब्लम है आप आराम से ढूंढ सकते हैं। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना।